जिस डिजिटल भारत का नारा भारतीय सरकार देती है, अभी उस डिजिटल भारत में डिजिटल गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते ऑनलाइन पेमेंट और भी अन्य कामकाजों के चलते लोग खुद का पैसा असुरक्षित समझते हैं, क्योंकि कभी ना कभी फेक कॉल्स आपको भी आई होंगी, जिसमें कॉल करने वाले खुद को आपके बैंक का कर्मचारी बता आपसे ओटीपी मांगते हैं और ओटीपी साझा करते ही आपके खाते से पैसे साफ हो जाते हैं। आए दिन ऐसे मामले आते हैं। बात करें पानीपत की, तो पानीपत में बीते दिनों 3 ऐसे मामले सामने आए हैं। औद्योगिक नगरी में ऑनलाइन ठगी का गिरोह सक्रिय है। नेट बैंकिंग चालू करवाने को लेकर युवक ने गूगल से कस्टमर केयर नंबर लिया और ठग ने मदद करने के बहाने करीब 2 लाख रुपए खाते से उड़ा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। को एटीएम लेने वाले को ये बताते हैं कि अपने ओटीपी शेयर ना करें, अपने खाते की कोई जानकारी किसी को ना बताएं। बैंक की तरफ से कभी भी कोई कॉल आपको इस संबंध में नहीं आती, आपकी जानकारी मांगने के लिए कभी नहीं आती। तो इन्होंने गलतफहमी में किसको क्या वो दिया, वो इनके पास यूज ये कर रहे थे, किसको ओटीपी इन्होंने दिया, किसको अपने खाते की डिटेल दी। फिर हैकर हैं जो ये फ्रॉड वाले हैं, वो जैसे किसी ने किसी भरम में डाल के आदमी को वो चीज़ ले लेते हैं, उसे वो कुछ कर लेते हैं। सर, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने जो है कस्टमर केयर के जो है पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया, वहाँ से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। कस्टमर केयर की हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाई जा सकती है, देख सकते हैं। कस्टमर केयर की तरफ से कभी भी नेवर, हर एक बैंक का कस्टमर केयर कभी कोई फ्रॉड नहीं होता। इनका लड़का यूज करता था, ये खुद यूज नहीं कर रहे उसको नेट बैंकिंग को, उसने क्या किया और अपने इनको क्या वो बातें बता रहा है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते ना। बैंक द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है सर? हमने इन्होंने जैसे बताया ना, खाता उसी टाइम फ्रीज कर दिया आगे के लिए, और हमने अपनी साइबर सेल में और ऊपर जो है इनकी कंप्लेंट को भेज दिया है। हाँ देखिए, लोग हम बार बार अवेयर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग ठगी में आ जाते हैं। और कई लोग कोई अपना पासवर्ड बताते हैं, कोई वो लिंक भेजते हैं तो लिंक खोल देता है। इस तरीके से बहुत सारे साइबर क्राइम चले हुए हैं, और लोग हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी पब्लिक को बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो वो कंप्लेंट आई है, उस पर एफआईआर करके और फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको जल्दी पकड़ें।